जैन साथियों, मैं मनोज चौधरी और आज की इसमें बात करेंगे माइक्रो एटीएम डिवाइस के बारे में। जैसा कि दोस्तों आप सब लोग पता है कि मार्केट में ऐसे बहुत सारे रिटेलर हैं जो कि बहुत सारी कंपनियों का रिटेलर आईडी यूज करते हैं और वो जब भी किसी कंपनी का माइक्रो एटीएम लेने के लिए जाते हैं तो उनको कन्फ्यूजन होता है कि हम कौन सी कंपनी का डिवाइस ले, वो सोचते कौन सा बेस्ट होगा। तो आज की इस वीडियो में कुछ डिवाइस का कंपेयर करने वाला हूँ, आपके सामने पेश करने वाला हूँ कि आप अपने हिसाब से यहाँ पर कंफर्म कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं कि कौन सी डिवाइस हमें बेस्ट है। तो यहाँ पर हम तीन डिवाइस का कंपेयर करेंगे, जैसा कि पेनियर बाय, फिनोपेन बैंक और स्पाइस मनी। यहाँ पर हमें तीन कंपनी को चुना हुआ है और इन तीन कंपनी को डिवाइस को चुना हुआ, इनका हम कंपेयर करेंगे और आपके सामने इनकी सभी पॉइंट्स को रखेंगे। आप खुद से डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सी डिवाइस लेने लायक है या नहीं लेने लायक है। तो आपको यहाँ पर तीनों डिवाइस के पॉइंट्स को देखना है, साथ में इसके प्राइस को भी देखना है और इसकी सर्विस को भी देखना है। बहुत सारे लोग प्राइस के पीछे भागते हैं, तो आपको प्राइस के पीछे नहीं जाना है, आपको पॉइंट्स, प्राइस और सर्विस भी देखना है, तभी जाकर आपको अच्छा डिवाइस चुन सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, मेरा नाम है मनोज चौधरी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल चौधरी एसोसिएट। तो यहाँ पर हम आपको ऐसी कुछ जानकारी शेयर करते रहते हैं बैंकिंग से रिलेटेड। यदि आप हमारे चैनल पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको हर तरह की इस तरह की वीडियो मिलती रहेंगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर हमने तीन डिवाइसों को चुना हुआ है। जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये पहला आपका फिनोपेन बैंक है, स्पाइस मनी, पेनियर बैंक। तो तीन डिवाइस का हम कंपेयर करने वाले हैं, इसके सारे पॉइंट्स को बताने वाले हैं। तो इसे रखते हैं बगल में और आपको बताते हैं। तो यहाँ पर हमने कुछ इसके पॉइंट्स नोट करके रखे हुए हैं, आपको दिखाएंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बैलेंस इंक्वायरी के बारे में। तो बैलेंस इंक्वायरी की बात करें तो आपका फिनोबैंक में बैलेंस इंक्वायरी हो जाता है, ठीक है, स्पाइस में नहीं बैलेंस इंक्वायरी हो जाता है और आपका पेनियर बैंक में बैलेंस इंक्वायरी हो जाता है। इन तीनों डिवाइस में बैलेंस इंक्वायरी की सर्विस अवेलेबल है, ठीक है। दूसरे पॉइंट्स की हम बात करते हैं तो वहां पर आता है निकासी की बात। तो निकासी की बात करते थे, इन तीनों डिवाइस में निकासी का जो मैक्सिमम यानी कि जो अमाउंट है वो 10,000 होता है और जो इसका ट्रांजेक्शन का लिमिट है वो कार्ड के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है, ना कि आपके डिवाइस के ऊपर, ठीक है। लेकिन यहाँ पर कुछ फैक्ट्स हैं जो आपको बताऊंगा। यहाँ पर जो ये डिवाइस है इनके कार्ड के ऊपर डिपेंड करता है, ना कि मशीन के ऊपर। जो भी आप ट्रांजेक्शन करें इनके कार्ड के ऊपर डिपेंड करेगा, जो भी कार्ड का लिमिट होगा वहां पर विड्रॉल आप कर सकते हैं, ठीक है। अब हम तीसरे पॉइंट की बात करते हैं कमीशन के बारे में। तो कमीशन की बात करें तो जो फिनोबैंक का कमीशन है वो मैक्सिमम आपका 10 रुपया कमीशन है, यानी कि मैक्सिमम का मतलब होता है 5,000 से लेकर 10,000 बीच में कोई भी ट्रांजेक्शन करते हैं और पर ट्रांजेक्शन आपको 10 रुपए देगा, यानी कि मान के चलिए आपने 5,000 किया 10 रुपए देगा, दोबारा 6,000 तभी 10 रुपए देगा, यानी कि 5,000 से लेकर 10,000 के बीच में जो भी करते हैं हर ट्रांजेक्शन आपको 10 रुपए कमीशन देगा, ठीक है। इसका स्लैब होता है, चाहे आप एक बार में 10,000 कीजिए, चाहे दो बार में कीजिए, दो बार में करेंगे तो आपको 20 रुपए मिलेगा और एक बार में करेंगे 10 रुपए मिलेगा। तो ये इसका मैक्सिमम कमीशन 10 रुपए का। तो उसके हम बात करते हैं स्पाइस मनी की। तो स्पाइस मनी का जो मैक्सिमम कमीशन है वो भी 10 रुपए आपका है, लेकिन यहाँ पर प्लान चलता है, प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी। जो लोग इसका आईडी उनको पता होगा तो अपने हिसाब से आप प्लान का सिलेक्शन कर सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम कमीशन 10 रुपए है, आपका कमीशन में फेरबदल होता रहता है। इसको रखते हैं बगल में। अब बात करते हैं पेनियर बाय में। पेनियर बाय में भी मैक्सिमम कमीशन 10 रुपए, लेकिन यहाँ पर इनका कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है। यदि इसको फॉलो नहीं करेंगे तो आपको 7.5 रुपए कमीशन ही मिलेगा, यदि इसको फॉलो कर लेते हैं तो आपको यहाँ पर 10 रुपए कमीशन मिल जाएगा। क्या टर्म्स एंड कंडीशन, इसके लिए मैंने वीडियो बनाया, जाकर उसको देख सकते हैं। और सबसे यहाँ पर इसको बात करें तो इसका भी 5,000 से लेकर 10,000 के बीच में ही जो मैक्सिमम कमीशन वही लागू होता है। यदि आप उस रूल को फॉलो करेंगे तो 10 रुपए मिलेगा, नहीं फॉलो करेंगे तो आपको 7.5 रुपए मिलेगा, ठीक है। अब रखते हैं बगल में। अब देखते हैं हम चौथी फैक्ट्स के बारे में। तो डिवाइस यूज की बात करते हैं, डिवाइस यूज की बात करें तो जो फिनोबैंक का डिवाइस है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं फिनोबैंक का डिवाइस है, सारे के सारे डिवाइस ब्लूटूथ कनेक्टिविटी है जो कि ब्लूटूथ के साथ फास्ट काम करते हैं, लेकिन ये जो डिवाइस है ब्लूटूथ से भी काम करता है कि फोन से भी काम करता है और साथ में लैपटॉप पे भी काम करता है। बहुत सारे ऐसे यूजर्स है जो कि चाहते हैं कि हम सारा फंक्शन अपने लैपटॉप में यूज करें, यानी कि माइक्रो एटीएम और एपीएस का दोनों मुझसे यूज करें, तो इस डिवाइस को अपने लैपटॉप से भी कनेक्ट कर सकते हैं यूएसबी के माध्यम से, यहाँ से कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये पीसी और मोबाइल दोनों में काम करता है, ठीक है, और ब्लूटूथ से भी काम करता है। अब हम बात करते हैं स्पाइस मनी की। तो स्पाइस में मोबाइल में काफी फास्ट करता है, इसमें सिस्टम में कनेक्टिविटी नहीं है। यदि आप सिस्टम में चला रहे तो आपको माइक्रो एटीएम यूज करने के लिए आपको मोबाइल ऐप पे आना ही पड़ेगा। उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर पेनियर बाय में। तो इसका भी जो सिस्टम है केवल मोबाइल ऐप में है, ये सिस्टम में काम नहीं करता है, केवल तो केवल सिस्टम में फिनोपेन बैंक ही काम करता है। अब हम बात करते हैं पांचवे की, जो कि पांचवा हमारा बैटरी बैकअप। बैटरी बैकअप को लेकर बात करें तो जो हमारा ये फिनोबैंक का माइक्रो एटीएम, ये आपको मान के चलिए 5 से 6 घंटा चलता है, ठीक है, अगर 5 से 6 घंटा इसका बैकअप देता है।
और ओल्ड होने पर धीरे स्टार्ट जो बैकअप कम हो जाता है, न्यू होती है तो 12 घंटा भी चल जाता है, लेकिन मैक्सिमम 5 से 6 जाता है। लेकिन ज्यादातर इसमें शिकायत आती है बैटरी बैकअप का, क्योंकि सिस्टम से जमता तो हमेशा चार्ज में लगा होता है तो बैटरी ज्यादा चांस होता है खराब होने का, लेकिन 5 से 6 घंटा चलता है। ठीक है, ये D180 कंपनी का होता है, फिनोमैक का माइक्रो एटीएम। और उसके बाद हम बात करते हैं आपका मिनी मैजिक डिवाइस, यानी कि स्पाइस मिनी की डिवाइस का बात करते हैं, तो इसका बैटरी बैकअप काफी अच्छा है, ये मान के चलिए 7 से 8 दिन आपका चल जाता है आसानी से। इसमें सिस्टम का स्लीप मोड का, ये ऑटोमेटिक स्लीप मोड में चलाता है, इसलिए इसका बैकअप काफी ज्यादा होता है और इसकी बैटरी भी काफी अच्छी होती है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं तो D180 जो आता है कि पेनियर बैग, इसका भी बैटरी बैकअप कम है, लेकिन इसका जो बैटरी बैकअप है इसका मान के 10 से 12 घंटा हो जाता है, क्योंकि इसमें काफी अच्छी बैटरी बैकअप दी रखी हुई है। और ये जो डिवाइस है आपका फिनोबैंक का और पेनियर बैकअप, दोनों डिवाइस एक ही कंपनी की सेम है D180 का, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या होता है कि इसमें बैकअप थोड़ा सा कम, इसमें बैकअप ज्यादा होता है। हो सकता है कंपनी का जो माल वहां से उठता है वो ये काफी पहले उठा, ये काफी बाद में उठा हो, लेकिन सेम दोनों का मिलाकर बात करें तो चार्जिंग जो है 5 से 6 घंटा ही चलता है। सबसे बेस्ट जो चार्जिंग चलता है वो चलता है आपका स्पाइस मिनी का चलता है। ठीक है, अब बैटरी बैकअप हो चुका 5वां। अब बात करते हैं 6वां कार्ड एक्सेप्ट का, तो यहाँ पर भी हर तरह के कार्ड एक्सेप्ट करते हैं, ऑल एक्सेप्ट कार्ड है, लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसे भी कार्ड आते हैं जो कि नहीं एक्सेप्ट कर पाते हैं। ठीक है, और उसके बाद हम बात करते हैं स्पाइस मिनी की, जो मिनी मैजिक इसकी बात करें तो इसमें ऑल कार्ड एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है, साथ में क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड दोनों काम करता है इस डिवाइस में। ठीक है, इसमें क्रेडिट और डेबिट दोनों कर सकते हैं। और इस डिवाइस की हम बात करें तो मान के चलिए आपका ये 90% आपका कार्ड एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है, और इस डिवाइस की बात करते हैं, इसमें आपका क्रेडिट कार्ड हाल फिलहाल में लागू हो चुका है, पहले क्रेडिट कार्ड नहीं था, अब इसमें क्रेडिट कार्ड काम करना चालू कर दिया। और इन दोनों डिवाइस की बात करते हैं, इसमें 95% यानी 95% कार्ड काम करते हैं, 5% कुछ कार्ड ऐसे जो कि नहीं काम करते हैं। और इसमें 99% काम इसलिए खोला हूं क्योंकि कुछ ऐसे भी कार्ड आते हैं जो कि मैंने कई बार फेस किया जो कि नहीं काम करते, इसलिए मैंने इसमें 1% की कमी निकाल रहा हूं, क्योंकि मैंने कई बार देखा सेंट्रल बैंक का इसमें कार्ड नहीं काम करता। और जो भी मैं एक्सपीरियंस आपके सामने रख रहा हूं या पॉइंट सर्वा भी है, मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने इसको यूज करके देखा हुआ है। ठीक है, ना कि मुझे कंपनी बताई हुई, मैंने सारा एक्सपीरियंस आपके सामने शेयर किया, मैंने तीनों डिवाइस को यूज किया हुआ है। तो इन तीनों डिवाइस का जो एक्सेप्ट कार्ड का जो प्रोसेस होता है वो होता है 95% यानी 95% और इसका 99%। ठीक है, और ये दो डिवाइस में आपका क्रेडिट कार्ड काम करने का प्रोसेस हो गया है, पेनियर बाय स्पाइस मनी अब इसमें अभी नहीं आया हुआ है, हो सकता है हाल फिलहाल में आ जाए। बाकी बात करें कार्ड एक्सेप्ट का, तो इसमें तीनों में चिप बेस काम करता है, अभी इसमें स्वैप बेस भी काम करता है, बंद नहीं हुआ है। इन दोनों में चिप ही काम करता है, चिप के अलावा कोई नहीं काम करता है। इसमें भी कभी कभी स्वैप भी काम कर लेता है, स्वैप बंद नहीं हो, किस किसी में स्वैप नहीं काम करता, लेकिन इसमें भी आपका चिप बेस का ऑप्शन आ चुका है। अब हम बात करते हैं इसके 7वें सर्विस के बारे में, डेली लिमिट की। तो डेली लिमिट की जो होता है, इन लोगों इस मशीन में कोई लिमिट नहीं है दो डिवाइस का, हालांकि इसका तो मैंने कई बार यूज किया, इसका कोई लिमिट नहीं, आपके कार्ड के ऊपर 100% डिपेंड करता है। लेकिन इस डिवाइस को मैंने हाल फिलहाल में यूज किया है, तो ये 50 हजार के बाद 5 बार यूज करने के बाद ये डिवाइस बोलता है कि यूज दी डिफरेंस कार्ड, इसको लिखना चाहिए कि मतलब कार्ड का लिमिट क्रॉस हो चुका नहीं होना चाहिए। तो मैंने जब इसको यूज किया 50 हजार तक या 10 करके मैंने 5 बार जब यूज किया, तो इसने लिखा कि टेक यूज दी डिफरेंस कार्ड, यानी कि दूसरा कार्ड यूज करने के लिए बोल रहा था। तो मुझे लगा कि हो सकता हो कि लिमिट खत्म हो, लेकिन मैंने दूसरा डिवाइस इस्तेमाल किया, लेकिन ये डिवाइस इस डिवाइस में वो कार्ड एक्सेप्ट ही नहीं किया। तो मेरे हिसाब से लगता है ये 50 हजार तक का ही विड्रॉल करा सकता है, उसके बाद नहीं करा सकता है। और इस डिवाइस से मैंने काफी ज्यादा ट्रांजेक्शन किया है फिनो बैंक से, ठीक है, इसका लिमिट मैंने देखा हुआ है, और इसको तो मैंने अभी तक यूज नहीं किया, लेकिन कंपनी दावा करती है कि इसका लिमिट कार्ड के ऊपर डिपेंड करता है। यदि आपके कार्ड का लिमिट 10 हजार तो 10 हजार कर सकते हैं, 5 हजार 5 हजार कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हम 8वें के बारे में, तो वापसी की बात करते हैं। वापसी में आती है रिप्लेसमेंट की बात करते हैं। ठीक है, काफी लोग का डिवाइस खराब होता है, रिप्लेसमेंट की बात करते हैं। तो इसके रिप्लेसमेंट की बात करें, डिवाइस का जो रिप्लेसमेंट होता है वो आपका 6 महीने के लिए होता है, 6 महीने के बाद डिवाइस का रेंट कटना चालू हो जाता है। ठीक है, लेकिन अभी हाल फिलहाल में एक अपडेट आ चुका हुआ है। ठीक है, रेंट के बारे में बाद में बात करेंगे, रिप्लेसमेंट की बात करते पहले। तो इसका जो रिप्लेसमेंट डिवाइस कभी खराब हो जाता है, तो आपने जिससे भी लिया है, चाहे डिस्ट्रीब्यूटर हो या सुपर डिस्ट्रीब्यूटर हो या आपका CSO या इसका ब्रांच हो, ब्रांच आप कॉन्टेक्ट करेंगे, वहां पर इसकी एंट्री होती है। एंट्री होने के बाद जो भी टाइम लगता है, 15 से 20 दिन या 1 महीने का टाइम लगता है, उसके भीतर में डिवाइस आपको मिल जाता है। ये प्रोसेस होता है इसका चेंज करने का। तो आप कहीं भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर CSO CRO या ब्रांच से भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ब्रांच नहीं तो अपने CSO से कॉन्टेक्ट कर लेंगे, वहां से रिप्लेस होगा। ठीक है,
अब बात करते हैं हम स्पाइस मिनी के माइक्रो एटीएम के बारे में। तो इसका जो प्रोसेस है ये आपके पोर्टल से होता है। आपके पोर्टल में एक ऑप्शन होता है टिकट रेज करने का, वहां पर जाएंगे तो जो भी आपका डिवाइस हो, चाहे वो मिनिमली डिवाइस हो या D180 हो या आपका मोरफंड का डिवाइस, जो भी डिवाइस हो वहां पर जाएंगे, आप मॉडल सेट करेंगे, उसका सीरियल नंबर लिखेंगे डिवाइस के पीछे का और साथ में क्या डिवाइस समस्या ये आप करके, वहां पर एक टिकट रेज होता है, टिकट रेज आपको डिवाइस के पीछे चिपकाना है, चिपकाने के बाद पैक करके कंपनी में शेयर करते हैं, वहां से ये रिप्लेस होकर आ जाता है। यदि डिवाइस में कोई फॉल्ट वगैरह हो जाता है जैसे कि सीरियल नंबर नहीं है और कुछ फॉल्ट हो गई, तो उसके लिए आपको एक्स्ट्रा चार्ज पे करने होते, चार्ज वहां पर अप्लाई होता है, वो आप देख सकते हैं पोर्टल में। अब बात करते हैं हम पेंजर बाई की। पेंजर बाई का डिवाइस का जो प्रोसेस है, इसको आप डायरेक्टली आप अपने कंपनी के एड्रेस पे शेयर किया था, जो कि आपके RM या आपके डिस्ट्रीब्यूटर के द्वारा शेयर किया था। एक फॉर्म होता है, फॉर्म को प्रिंट करना होता है, उसमें कुछ डिटेल फिल करनी होती है जैसे कि आपका नाम, आपका रजिस्टर मोबाइल नंबर और इस डिवाइस में क्या समस्या ये फिल करके और डिवाइस के अंदर डाल के, ठीक है, और इसको पैक करके आप कंपनी को भेज सकते हैं। तो ये इसका प्रोसेस होता है। लेकिन हालांकि मेरा एक रिटेलर भेजा था तो बहुत ही आसानी से एक महीने के अंदर डिवाइस मिल गया था, लेकिन दूसरी बार मेरा एक दूसरा मर्चेंट भेजा, उसको आज तक ये डिवाइस नहीं मिला हुआ है, जो कि 2 से 3 मंथ हो चुका है, लेकिन इसका कोई भी इसको सोल्यूशन भी नहीं मिल पा रहा है। इस डिवाइस का क्या स्थिति है, ये डिवाइस बनेगा नहीं बनेगा, कंपनी से कोई कॉल भी नहीं है, उसको कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पा रही। जैसे क्या होता है कि आप किसी से पता तो कर सकते हैं कि डिवाइस की क्या स्थिति है, रिप्लेस होगा नहीं होगा, ताकि वो नया डिवाइस ले सके। तो इसका थोड़ा सा मुझे सर्विस बेकार लगा, हालांकि मैं अपना एक्सपीरियंस ही बता रहा हूँ, ठीक है। मेरे रिटेलर ने भेजा था और इसमें काफी दिक्कतें हुई है। और स्पाइस मिनी की बात करें तो किसी का डिवाइस अभी तक मेरे अंडर में खराब नहीं हुआ है। यदि खराब भी हुआ होगा तो अपने पोर्टल से कर लिया होगा, उसकी बात अलग है, जैसे कि मैंने बताया हुआ है, लेकिन किसी ने अभी तक शिकायत नहीं की हुई है। इसका डिवाइस खराब होता है तो मैं खुद रिप्लेस कर लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं होता है, और इसका डिवाइस का हर रिकॉर्ड मेरे पास होता है और मेरे जो भी सीनियर थे उनके पास रिकॉर्ड होता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं नवी सर्विस के बारे में, जो कि रेंट की बात करते हैं। तो फिनो पेमेंट बैंक का जो रेंट था वो 118 रुपए चार्ज था। यदि इसका रेंट आप बंद करना चाहते हैं तो एक मैसेज लिखकर भेज देंगे तो इसका रेंट बंद हो जाएगा। नया डिवाइस परचेज करते हैं तो इसका जो रिप्लेसमेंट होता है वो 6 महीने के लिए होता है, 6 महीने के बाद रेंट काटना चालू कर देता है। यदि आप रेंट कटाना चाहेंगे तो कटाइए, हर मंथ 118 रुपए कटेगा और डिवाइस का रिप्लेसमेंट हमेशा रहेगा, ठीक है। रेंट कटना बंद हो गया तो डिवाइस खराब होने पर डिवाइस की वापसी नहीं होती है। लेकिन अभी हाल फिलहाल में एक अपडेट आ चुका है, यदि आपका महीने का 3 लाख का बिजनेस माइक्रोडिप्स होता है तो आपका जो एटीएम का जो 118 रुपए चार्ज वो नहीं कटेगा, बंद कर दिया जाएगा, साथ में आपका रिप्लेसमेंट हमेशा ले आएगा। जब तक आप करेंगे 3 लाख का बिजनेस तब तक आपका ये रेंट नहीं कटेगा। तो बहुत ही अच्छा सर्विस है, हालांकि मेरे हिसाब से हर कोई बंदा पर डे का 10 हजार आता है वो महीने का 3 लाख कर लेता होगा। तो 3 लाख करने उसका जो EMB की यानी कि जो सर्विस होता है कि जो चार्जेस होता है AMC बोलते हैं उसे, तो उसका चार्जेस जो करता वो नहीं कटेगा और इसका रिप्लेसमेंट भी हमेशा के लिए रहेगा, ठीक है। सर्विस बहुत अच्छा है। और इसकी बात करें तो इसका कोई 1 साल का होता है, यानी कि 1 साल इसका रिप्लेसमेंट एक गारंटी वारंटी होती है और 1 साल के बाद खराब होने का तो इसपे कुछ कंपनी चार्ज लगाती है, ठीक है। इसका कोई मंथली चार्ज नहीं है, हालांकि 59 रुपए पोर्टल का चार्ज वो भी बंद कर दिया गया, बिल्कुल फ्री कर दिया गया है, यानी कि दोनों का मिलाकर बिल्कुल फ्री चार्जेस कर दिया गया, ठीक है। और यहाँ की बात करें, इसकी बात करें तो इसका भी कोई मंथली चार्ज नहीं है, ना ही एटीएम कोई चार्ज है, बिल्कुल फ्री है। इसका 1 साल का होता है, 1 साल के बाद कंपनी अभी तक कुछ नहीं बताई हुई है कि क्या करना है। और मेरे एक मेंबर का खराब हुआ था 1 साल के बाद, हालांकि हो चुका, हो सकता है ये ट्रांजेक्शन बेस है, वो अच्छा खासा ट्रांजेक्शन कर रहा था, हो सकता है उसको जल्दी मिल गया, लेकिन जो दूसरा मेरा मैंने बताया कि दूसरा बंदा था वो ट्रांजेक्शन बहुत कम कर रहा था, उसका डिवाइस गया अभी तक मिला ही नहीं उसको, तो हो सकता वो ट्रांजेक्शन कम करने से कंपनी उसको ना दी हो। कंपनी भी देखती है कौन ज्यादा काम करता है, हो सकता फ्री में दी बनाकर, ठीक है। लेकिन कंपनी को ये डिसाइड कर देना चाहिए कि डिवाइस आपका होगा नहीं होगा, उसको इन्फॉर्म जरूर करना चाहिए। तो मैंने यहाँ पर कंपेयर किया तीनों में कि क्या सिस्टम है रिप्लेसमेंट का और कितना टाइमिंग होता है। अब हम बात करते हैं रेट की, सबसे बात आती है रेट की, ये लास्ट स्टेप है। तो रेट की बात देखिए, सबका अलग अलग प्राइस है, मैं पहले कंपनी का प्राइस बताऊंगा उसके बाद मैं डिस्ट्रीब्यूटर और रिटेलर की प्राइस बताऊंगा क्या होता है। तो फिनो बैंक की प्राइस बात करें तो इसका जो प्राइस है, अगर कंपनी से आप परचेस करते हैं एक पीस, कोई बंदा परचेस करता है तो उसके लिए 5900 रुपए प्राइस लगता है, जो कि जेन्युइन प्राइस है, 5900 रुपए 5900 रुपए प्राइस लगता है, ठीक है। या यू बोल सकते 6000 रुपए, लेकिन 5900 आपके पोर्टल से करता है, एक मैसेज करेंगे आपके पोर्टल से कट जाएगा, लेकिन आपको कभी मैसेज नहीं करना है, ध्यान रखना मैं आपको बताऊं, लेकिन मैसेज कभी नहीं करना है। तो इसका जो कंपनी का जो प्राइस पड़ता है वो 5900 रुपए है, लेकिन आप डिस्ट्रीब्यूटर से कॉन्टेक्ट करते हैं, यदि आप डिस्ट्रीब्यूटर बनना चाहते हैं मेरे साथ कॉन्टेक्ट करके, तो आपको 4500 कॉट पड़ने वाली है, लेकिन 10 डिवाइस के साथ। यदि आप मर्चेंट है तब ये डिवाइस आपको उस रेट में नहीं पड़ेगी, ठीक है, वो ज्यादा रेट लगेगा आपको, लेकिन डिस्ट्रीब्यूटर अगर लेता है तो 10 के साथ तब उस पर अप्लाई होता है 4500, 10 के साथ यदि एक पीस लेता है तो उसका 5900 ही अप्लाई होगा, कम नहीं होगा, ठीक है। वो कंपनी का प्राइस होता है, मैं कंपनी बताऊं, लेकिन आप मेरे से काउंटिंग करेंगे तो आपको ये डिवाइस कम नहीं पड़ जाएगी, ज्यादा सस्ता पड़ेगा, ठीक है, महंगा नहीं होता है। अब इस डिवाइस को बगल में, इस डिवाइस कंपनी का प्राइस, साथ में मार्केट का जो रिस्टो का वो बता दिया आपको,
ठीक है। अब हम बात करते हैं स्पाइस मिनी के इस मिनी मैजिक डिवाइस के बारे में, ठीक है। तो अभी हाल फिल्म इसका जो प्राइस पहले बहुत पहले 6000 रुपए था, उसका प्राइस गिरते आया 4300, लेकिन बीच में उन्होंने क्या किया था जो कि बहुत ही बम्पर चला, और इसमें क्या किया था 2500 रुपए का डिवाइस दे रहा था, 2500 में आपको 2500 रुपए सिक्योरिटी अमाउंट जमा करने थे और 3 लाख का बिजनेस करते तो आपको क्या था ये हर महीने आपको 150 रुपए रिफंड करता था, ठीक है, यानी कि आपको टोटल अमाउंट आपको रिफंड कर देता। इस तरह का स्कीम कुछ दिनों तक चला, लेकिन बाद में इसको बंद करके इन्होंने क्या लॉन्च कर दिया, एक मोर फंड यानी कि मैक्स इनकम फंड नाम से एक डिवाइस लॉन्च किया, जिसको इन्होंने सेलिंग किया 1899 रुपए का, ठीक है। इसमें जो होता है वो डिस्ट्रीब्यूटर रेटर सबके लिए बराबर एक कंपनी दे रही है, ऐसा नहीं कि आपको कुछ अलग दे रही है, सबके लिए बराबर छोड़ दिया है। तो यहाँ पर 1899 का डिवाइस दे रही है, लेकिन वो जो डिवाइस है उसका कोई भी रिफंडेबल अमाउंट नहीं है, वो 1899 पे करेंगे तो वो डिवाइस आपका हमेशा के लिए हो जाएगा। तो ये वाला मिनी मैजिक बंद कर दिया, अभी मोर फंड डिवाइस आ रहा है। तो इनका जो प्राइस है मात्र 1900 रुपए डिवाइस का, ठीक है, बाकी रिप्लेसमेंट वगैरह सब सेम वही रहेगा, कुछ ऐसा नहीं है। अब हम बात करते हैं इसका, तो ये जो सेम प्रोसेस है पेंद्रा भाई की तरह सेम, पेंद्रा भाई जो सेम है स्पाइस की तरह सेम चल रहा है, स्टेप बाय स्टेप एकदम चल रहा है। तो इन्होंने क्या किया था पहले पहले स्टार्टिंग में, इन्होंने पहले क्या किया 4500 किया, 4000 किया, उसके बाद 3000 किया, उसके बाद इन्होंने लास्ट में क्या किया तो 2900 रुपए, 2900 किया, 2900 में इन्होंने डिवाइस को डिवाइस का चार्ज लगाया इन्होंने 2900 रुपए की, 2900 में आपको डिवाइस मिलेगा और आपको यहाँ पर 100% यानी कि 100% यानी कि 101% बोल सकते हैं, 101% आपको रिफंड देंगे 3000 अमाउंट। इसका भी कुछ टर्म्स एंड कंडीशन था, इसके लिए मैंने वीडियो बनाया, जाकर उसमें को देख सकते हैं। तो टर्म्स एंड कंडीशन क्या था कि ये डिवाइस आपको 2900 में लेना है, 2900 रुपए आपको सिक्योरिटी अमाउंट देना है, और आपको हर महीने अगर 3 लाख का ट्रांसफर करते हैं तो आपको जो क्या बोलते हैं आपको 20 महीने में आपको 150 रुपया रिफंड करेगा, और यदि आप 4 लाख का ट्रांसफर करते हैं तो आपको 15 महीने में आपको 150 रुपये का रिफंड देगा। तो इस तरह का कुछ स्क्रीन उन्होंने बनाया था, जाकर उसमें को देख सकते हैं, ये रिफंड का ऑप्शन दे रहे थे। लेकिन हाल फिलहाल में इन्होंने भी क्या किया, अभी 24 तारीख उन्होंने क्या किया इसमें कुछ बदलाव कर दिया है, इन्होंने भी 1899 रुपए कर दिया, या हाँ 1899 प्राइस कर दिया है, 1899 प्राइस डिवाइस मिलेगा, लेकिन इसका कोई रिफंडेबल अमाउंट नहीं है, ना ही कोई आपको रिफंड करे। लेकिन डिवाइस क्या है, अभी तो जो 2900 में डिवाइस दे रहे थे वो डिवाइस क्या था आपका D180 था, लेकिन अभी जो 1899 डिवाइस दे रहे वो आपका मोरफंड का डिवाइस है, जो कि स्पाइस में दिया वही सेम डिवाइस है। तो दोनों में सेम प्रोसेस चल रहा है, सेम तरीके से काम कर रहा है। अभी प्राइस की बात होगी, तो अब बात करते हैं कि इतना डिफरेंस क्यों है, ये दोनों का प्राइस सेम की तरह इसका इतना डिफरेंस क्यों है। लोग सोचते हैं कि ये बैंक पोर्टल है, ठीक है, ये अपने हिसाब से चलता है, मतलब मैं आपको एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, ये जिसका जो प्राइस चलता है ये बैंक है फिनो पेट्स बैंक, ये अपना एक अकाउंट खोलता है जिसका कुछ अलग शुरू होता है, और ये दो एईपीएस कंपनी जो कि ईपीएस सर्विसेज है, तो ये किसी बैंक से टाई अप करके अपना सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, तो इनका अलग प्राइस होता है, और ये बैंक इसका शुरू कुछ अलग चलता है, इसका खुद का जो मतलब कि ट्रांजेक्शन होता है सर्वर होता है खुद का चलाता है, तो इसका कुछ रेट अलग होता है। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि फिनो का माइक्रो रेट इतना महंगा क्यों पड़ता है, भाई कंपनी महंगा दे रही है तो भाई महंगा पड़ेगा। तो मैंने आपको यहाँ पर कुछ टोटल मिलाकर 10 पॉइंट्स मैंने आपके सामने रखा, जैसे कि आपने देखा, अब आप अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं कौन सा डिवाइस लेने लायक है, ले सकते हैं। बस दोस्तों आपको बस यही छोटी छोटी जानकारी शेयर करनी थी, वीडियो काफी लंबा हो चुका लेकिन जानकारी छोटी छोटी थी। बहुत सारे लोग के मन में सवाल आता था, कई लोग माइक्रोडम ले सके उनके मन में सवाल, कई लोग नहीं उनके मन में सवाल आ रहा था। आशा कर दो कि वीडियो अच्छा लगा, वीडियो अच्छा लगता है वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगता है इंटरेस्टिंग लगता है तो वीडियो को अपने काफी दोस्तों में शेयर करें ताकि उनको भी ये जानकारी लग सके। मिलेगा किसी नेक्स्ट, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।